पहला क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ उसे पूछिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएम? हैंड रेज करना है, बताना नहीं है, बस हैंड रेज करना है। सब ऊपर कर रहे, क्या बात है। तो मैं पास कर रहे थे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर मैथमेटिक्स। सही है ब्रो, तुम बताओ। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर मैथमेटिक्स। STM का फुल फॉर्म क्या होगा? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट मैथमेटिक्स। चलो पहला तुम बाहर आओ, एक प्राइज इसको दिया जाए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो जवाब देंगे, दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत एक तो हम आप सभी को अच्छे बच्चे मानते हैं, लेकिन तुम हमारा हमने कौन सी मेटलिक टेप इसमें यूज करी है? कौन सी है मेटल टेप? कॉपर। हैंडेज करना है। सारे बच्चे को कॉपर है ना? किसका कॉपर नहीं है? हैंडेज करो। नहीं है कॉपर? आज लग रहा है कि नवीन सर का ही सेशन है, वो सिलेक्ट कर रहे हैं ना कुछ छुपे हुए बच्चे का हुनर बाहर आ रहा है ना। दो से तीन बच्चों को देना होता है ना। अब एक दो और देख लेते हैं। आवाज तो मार लिया। ये अभी देखो, ये क्या नाम है? मुझे एक फ्लुएंसर स्टूडेंट नहीं चाहिए। हम बहुत मोटिवेशन देते हैं कि सब स्टूडेंट जो बोले वही नहीं बोलना है, उसके अपोजिट जो कोई मिलता है ना उसी का तलाश हम कर रहे होते हैं कि तुम सेल्फ थिंकिंग से कुछ बोल रहे हो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना। ये चीज अभी दिखाई दिया, भले ही सब कॉपर बोले वो कॉन्फिडेंस नहीं उसको पता था ये एल्यूमिनियम है ना। और पूछने का तरीका ऐसा है कि मैंने उसको हैंड ऑफ कर दिया। अगला क्वेश्चन कुछ अगला क्वेश्चन हमने जो एलईडी यूज करी थी तो कौन सा लेंस से बना होता है? हैंड रेज। पहले के आंसर माना जाएगा क्योंकि दो ही ऑप्शन तो होंगे। एक काम करें, दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, दो राउंड में हो जाएगा। चलो प्रियांशी तुम बताओ। कॉन्वेक्स। तुम? कॉन्वेक्स। तुम्हारा भी कॉन्वेक्स, मतलब दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज, आंसर करेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स ही होगा। ठीक है, एलईडी का अलग से देख लूंगा। चलो कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस एरिया आउट साइड होता है या इनसाइड होता है, मतलब धंसा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है? हाँ, ये तीनों बच्चे जैसा होता है कॉन्वेक्स इनर जीरो। सारे बच्चों को पता होता है। सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? ये जो बैटरी हमने यूज करी है ये कौन से मेटल की बनी हुई है? कौन सा बैटरी है, इसका नाम क्या है? मैक्स बैटरी। कंपनी का इसमें जो मेटल यूज किया गया है उसका नाम क्या है? इस बैटरी तो बहुत सारे तरह के होते हैं ना। कंपनी का नाम नहीं होता। किस
इस तरह के बैटरी है, दुकानदार को क्या बोलोगे थे दे देगा। मैक्स का तो कंपनी है, क्या बता दे कि अगर बैटरी क्या आता होगा। स्मॉल सेल बोलेंगे। कितना वोल्ट का ही बैटरी है? 3। किस तरह का बैटरी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्वाइन सेल, एक बार हम चर्चा किए थे, है ना? क्वाइन सेल है। कोई स्टूडेंट बोल रहे थे क्वाइन इसमें कहां से लगाना है, बैटरी सेल लगाना था बना वैसे तो मर रहा था। कौन से मेटल का बना होता है? और भाई क्या बोलते हैं स्टील बैटरी बनाई गई है? स्टील मेटल पूछा जा रहा है, कौन से मेटल से बनाया गया है? कोई भी जो बैटरी बनती है आयरन, इसका सबसे ज्यादा भंडार चाइना के पास है स्टील। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इसको। एलईडी में अभी तुम्हारा बैठ जाना, अभी आंसर क्या है पता चल गया इसका? नहीं नहीं सर, लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं इसको। लिथियम जो अरे इसमें वो लगा हुआ है, कौन सी गैस भरी जाती है जिससे ब्लास्ट ना हो? नाइट्रोजन, लेकिन स्टेबलाइजर लगा हुआ है। आज तक किसने नहीं भरा, किसने प्रयोग नहीं किया? छुट्टी होने वाली है, 5 मिनट बचा है, मैं घर जा रहा हूँ। चलो एक पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन। एलईडी हम सब अभी कनेक्ट किए, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक का नाम होता है एनोड, एक का नाम होता है कैथोड। सुनना है, तो एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे या निगेटिव टर्मिनल? एनोड को बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे? हैंड रेज करना है, क्या क्वेश्चन? हैंड रेज करना है, क्वेश्चन क्या था? बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं एनोड और कैथोड। चलो बेटो बताओ, पॉजिटिव नहीं पता ना क्या पूछा है? एनोड क्या सर? तुम बताओ इधर कौन है? तुम बताओ पॉजिटिव आ गया। चलो आंसर सही है, बैठे हो। इस टीम का फुल फॉर्म पता है किसी को? कितने हाथ हैं जिसको पता है? ए से क्या होता है? आठ। चलो सही है। और ए से आगे चल के सीनियर में ये एरोडायनामिक्स भी हो जाता है, है ना? अभी 8 ही है छोटे बच्चों के लिए, अभी जो हम डिजाइनिंग है वो 8 से होता है। अभी तक फैंटम जन्म ठीक है, लगता है आप लोग खुश है इतने गिफ्ट से। चलो वैसे सबसे मेन था हम सबको एक नया चीज देखना समझना, अब एक फीडबैक सेशन कि कैसा लगा ये सब बताना है। और चलो इसको एंड करते हैं।